फ्रेंड्स, माय नेम इज वैशाली एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। वेलकम टू माय YouTube चैनल न्यू ओपन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास थी उसमें हम बात करेंगे शॉर्टली। शॉर्टली मतलब जो फिलहाल में हम काम करेंगे, फिलहाल में जो हम करने वाले हैं उन सब का यूज हम शॉर्टली करके करेंगे। लास्ट वीडियो में रिसेंटली में बोले गए पास्ट में जो हम करने वाले कर लिया था, जो हमने पास्ट में वो हमने सब रिसेंटली में यूज किया था। और अब जो हमने रही वो है शॉर्टली। शॉर्टली मतलब जो हम फ्यूचर में करेंगे, फिलहाल में जो हम अपने फ्यूचर में करने वाले हैं वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए आज की क्लास हमारी शॉर्टली यानी जो हम फिलहाल में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम वही बात करते हैं, दो फ्रेंड्स हैं आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओके, टू फ्रेंड्स आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कहीं जाने वाला है, ठीक है। फिलहाल में वो एक मैरिज पार्टी अटेंड करने वाला है, तो वो अपने सेकंड फ्रेंड को बता रहा है कि मैं फिलहाल में एक मैरिज पार्टी अटेंड करूंगा। ओके, अब इस पर वो सेकंड वाला जो पर्सन है, जो उसका सेकंड फ्रेंड है, वो उसे क्वेश्चन कर रहा है, भाई आप कब करोगे, कहाँ करोगे, कहाँ जाओगे मैरिज पार्टी में, और क्या पहनोगे, क्या खाओगे। इस तरह से वो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो उस क्वेश्चन पूछने तो क्वेश्चन हम किस तरह से पूछेंगे इन फ्यूचर के, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था असली, तो वो बता रहा है आई अटेंड अ मैरिज पार्टी शॉर्टली, मैं फिलहाल में एक मैरिज पार्टी अटेंड करूंगा। आई अटेंड अ मैरिज पार्टी शॉर्टली, शॉर्टली मतलब फिलहाल में वो करने वाला है, ठीक है ना। एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, जितनी भी वो फिलहाल में करने वाला है। अब यहाँ उसने बता दिया, वो जो हमारा सेकंड पर्सन है उससे क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन विल यू अटेंड अ मैरिज पार्टी, तो मैरिज पार्टी कब अटेंड करोगे, व्हेन मतलब कब, ठीक। फ्यूचर का क्वेश्चन हमने यहाँ विल का यूज कर लिया, व्हेन विल यू अटेंड अ मैरिज पार्टी, सिंपल। जैसे हमने रिसेंटली में डिड का यूज करा था, वैसे ही हम यहाँ पर विल का यूज कर रहे हैं। When will you attend a marriage party? तो फिलहाल marriage party कब attend करोगे? हाँ जी, तो answer आया I will attend a marriage party next Monday. मैं next Monday को marriage party attend करूंगा या करूंगी, ठीक है। I will attend a marriage party next Monday, नहीं तो आने वाले Monday उसको मैं marriage party attend करूंगी। Second है मेरा where will you go? कहाँ जाओगे? मतलब वो marriage party attend तो कर रहा है, इतना तो सुबह आगे मैं अटेंड करूंगा। आपने पूछा कब करोगे, तो भी नेक्स्ट मंडे में करेगा। अब आप ये पूछोगे मैरिज पार्टी अटेंड कहाँ करोगे, मतलब प्लेस किस स्थान पर करोगे, कहाँ जा रहे हो अटेंड करने, वेयर विल यू गो, ओके तुम कहाँ जाओगे। आई विल गो मुंबई फॉर अटेंड अ पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करने के लिए मुंबई जाऊंगा। ओके, आई विल गो मुंबई फॉर अटेंड अ पार्टी। इस तरह से हमने वेयर मतलब हमने प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, और हमने मुंबई के मतलब पता चल गई हमें वो मुंबई जाने वाला है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हू विल यू गो विद, तुम किसके साथ जाओगे। ओके, हु मींस कौन होता है, कौन होता है, यहाँ पर हम कौन का नहीं निकाल, यहाँ हमें किसी पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, किसी पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वहां आप हू से क्वेश्चन करते हैं। सिंपल वैसे भी हमने यहाँ पर भी का यूज करा है, हु विल यू गो विद, तुम किसके साथ जाओगे। हाँ जी, तो आई विल गो विद माय फ्रेंड्स, आई विल गो विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा। आई विल गो विद माय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, या फिर माय फ्रेंड्स एंड फ्रेंड आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। आई विल गो विद माय फैमिली मेंबर्स, आई विल गो विद माय रिलेटिव्स, कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ विल यू गो देयर बाय, तुम वहां किसके द्वारा जाओगे। ओके, हाउ विल यू गो देयर बाय, मतलब तुम वहां किस चीज से जाओगे, ठीक है, मतलब क्या वाहन क्या आपके पास। आई विल गो देयर बाय माय कार, मैं अपनी खुद की कार से वहां जाऊंगा या मैं वहां जाऊंगी। आई विल गो देयर बाय माय कार, यहाँ पर आप जो भी आप जहां से जिससे भी जाना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको एड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन हुआ हाउ विल यू गो देयर बाय, तो आई विल गो देयर बाय माय कार। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू वेयर देयर, वे मैरिज पार्टी में जा रहे हो, कुछ तो स्पेशल पहनने वाले होंगे, तो पूछ रहे पहनोगे क्या, व्हाट विल यू वेयर देयर,
वियर तो वहाँ क्या पहनोगे. सो आई विल वियर जो भी आप पहनने वाले उसको बता रहे हैं. आई विल वियर अ न्यू स्टाइलिश ड्रेस एज यू विश. जो भी आप पहनने वाले को यहाँ पर आप बता दें आई विल वियर और यहाँ पर आपको अपना एड कर देने. एंड नंबर सिक्स क्वेश्चन होता है वियर डू यू स्टे देयर. अब वो पूछ रहा है कि तुम वहां जा तो रही हो वहां ठहरोगे कहाँ मतलब रुकोगे कहाँ वहां पर. वियर विल यू स्टे देयर तुम वहां कहाँ ठहरने वाले हो. तो आई विल स्टे देयर इन फ्रेंड्स हाउस. आई विल स्टे इन माई फ्रेंड्स हाउस. मैं अपने जो फ्रेंड है उसके घर पर ठहरूंगा. अब यहाँ पर अब मैंने माई फ्रेंड्स हाउस एड करा है. आप यहाँ पर जहाँ पर भी आप ठहरेंगे वो अपना एड कर देंगे. धर्मशाला में तो हॉस्टाइल बोल दीजिए होटल तो होटल में. एंड नानी घर तो ग्रेनीज हाउस है जो की जहाँ पर भी आप ठहरने वाले रुकने वाले वहां पर आप वहां पर एड कर दोगे. तो आई विल स्टे इन माई फ्रेंड्स हाउस. इस तरह से हमने रिसेंटली और शॉर्टली दोनों का यूज करके अपने डब्ल्यू एच वर्ड का हमने क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन के साथ हमने आंसर भी बोल दिए कि हमें किस क्वेश्चन के साथ किस तरह से आंसर देने हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी से समझ आई हो और अगर समझ आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.